Let's discuss artificial transmutation of elements. Now, what artificial transmutation is? It is the conversion of one element into another artificially. So, it consists of the conversion of one element into another by artificial means is known as artificial transmutation. उसको artificial transmutation कहना चाहिए. अब इसमें क्या होता है, इट इज डन बाय बम्बार्डिंग हेवियर न्यूक्लियस विद द लाइटर पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा. सो जब हेवियर न्यूक्लियस को, एक न्यूक्लियस को हम टारगेट करके बम्बार्ड करते हैं, तो चाहे वो हेवियर हो या लाइटर हो, अगर जबरदस्ती हम बम्बार्ड करते हैं तो दैट वुड गेट कन्वर्टेड इन टू अनादर न्यूक्लियस. सो इट इज डन by bombarding, it is done by bombarding the nucleus of one element with lighter particles. और उस lighter particle को हम positron, क्या बोलते हैं उसको, projectile कहते हैं. अब सबसे पहले ये चीज किया गया नाइट्रोजन के ऊपर. सो याद रखे, सो दिस वॉज डन ऑन नाइट्रोजन फॉर फर्स्ट टाइम. तो सबसे पहले क्या किया गया कि नाइट्रोजन के ऊपर यूजिंग अल्फा पार्टिकल, यानी नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गई. सो इसमें हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन 14, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गई. बम्बार्डिंग करने से हम लोगों को ऑक्सीजन मिला वो टाइम पे, ऑक्सीजन 17 अकम्पनाइड बाय रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन. अब ये जो नया एलिमेंट हमें मिला ऑक्सीजन 17, इट वॉज फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव. इसलिए ये एग्जाम्पल हो सकता है इंड्यूस्ड या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का, याद रखे. सो न्यूक्लियस दैट इज ऑक्सीजन 17 फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव. दस दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी. इसको हम लोग इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी बुला सकते या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी बोल सकते हैं. अब जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं अल्फा, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन जैसे, दोज गेट रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है. इस वजह से वो बहुत अच्छे प्रोजेक्टाइल का काम नहीं करेंगे, याद रखे. So charged particles like alpha, proton and positron are repelled by the nucleus, thus are not good projectiles, इसलिए वो अच्छे प्रोजेक्टाइल नहीं है. अब अच्छा प्रोजेक्टाइल कौन है, ऐसा जो ना रिपेल किया जाएगा ना अट्रैक्ट किया जाएगा, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स आर द बेस्ट प्रोजेक्टाइल्स, याद रखना. सो न्यूट्रॉन्स आर द बेस्ट प्रोजेक्टाइल्स फॉर आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन एज दे नाइदर अट्रैक्टेड नॉर रिपेल्ड
by the target nucleus, by the target nucleus, यानी हमारा जो target है ना तो उसको attract करेगा ना repel करेगा। अब देखिए ये चीज जो है, जो minute particle की collision जो हम करते हैं उसके लिए अलग अलग instruments है, जैसे कि cyclotron, याद रखे। So cyclotron is an instrument, is an instrument which accelerate the projectiles, which accelerate the projectiles and bombard the target. So target के ऊपर bombarding के लिए हम अमूमन cyclotron इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बाकी कुछ instruments है जिसमें synchrotron है, Bevectron है। So another instruments are, जिसमें synchrotron और Bevectron। So these are the instruments to be used. अब target जब न्यूट्रॉन से हम बम्बार्ड करते हैं तो product depend करेगा किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर। सो स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन काउंट्स अलॉट। सो व्हेन टारगेट इज बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन, देन द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें होता क्या है, स्लो न्यूट्रॉन्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियस, ये चीज याद रखो। सो स्लो न्यूट्रॉन्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस, ये चीज याद रखो, या फिर एब्सॉर्ब किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं यूरेनियम 238, अगर इसको हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं सो वी कैन हैव यूरेनियम 239 अकम्पनाइड बाय रिलीज ऑफ ग्यामा, इसमें एब्सॉर्ब किया गया। लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन यानी एक्सट्रीम स्पीड से अगर हो तो दैट पेनिट्रेट्स। सो फास्ट न्यूट्रॉन्स penetrates through the nucleus, target nucleus से penetrate होगा। अब इसका example हम लोग दे सकते हैं, मान के चलो uranium 238 को हमने fast neutron से bombarded किया, ऐसे में हमें uranium 237 मिलेगा accompanied by the release of neutrons। अब ये जो है ये high speed neutron है, ऐसी बात है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी।